मुगलों को देख लो, ये औरंगजेब सारे अपने भाइयों को मार दिया खुद बैठने से, बैठने के लिए तख्त पे। जहांगीर ने जहांगीर को कैद कर दिया शाहजहां ने, तो नूरजहां उनके साथ बैठ के तख्त पे करती थी ना, अब कुछ ही बैठ। अब मुझे एक बंदा मिला जो मीडिया का ये तर्जुमान है, कहता है आपकी मैं हैरान हो गया, मुझे कुछ एंकर्स ने कहा कि जी हम जब कहते हैं कि उस्मा कादर को भेजे हमारे प्रोग्राम पे, तो आगे से हमें जवाब ये लोग दे देते हैं क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है। पर आपको फजूल ये लोग हरकतें करते हैं। दो तीन एंकर्स ने कहा कि हम तो अब अच्छा अब वो देखो ना जो मुझे जज में बुलाते थे वो उनको उनको कहना शुरू कर दिया जी नहीं वो तो अवेलेबल नहीं है, ये आप किसी और को भेज देते हैं। गंदगी है यहाँ पर, कुछ नहीं है यार। देखो ना मंसूर क्योंकि मुझे जानता है, मैं उसके साथ 5-6 साल से आ रही हूँ, मैं परवाह नहीं करता। ये एक दफा मुझे इसने बुलाया तो वो मुझे इसके प्रोड्यूसर ने ना फोन किया, कहता है मुझे रिजवान का फोन आया था कि नहीं नहीं वो फलानी नहीं वो अंजलीब आना चाह रही थी उसको, तो कहते उसको मैंने शटर कॉल दे दी कि नहीं हमने बुलाया है इसको, यही आएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो मेरे साथ पुराने चल रहे ना वो तो एक एक स्टैंड बाकियों पे ये लोग प्रेशर डाल देते हैं। टनल सियासत गंदी और कुछ भी नहीं है, ये नीचे गंद बड़ा है हमारे यहाँ। तो देखते हैं कि उज्मा कारदार किसी अच्छे चैनल से आ गई है, और जो कहते हैं ना मैं बुशरा बीबी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, सब झूठ है, सब झूठ अलग झूठ है। बिल्कुल वहां पे जिसे कहते हैं ना नाक का बंद है सारों का, पुराने जानने वाले है ना वो उनको वो नवाज रही है या उनको आगे ला रही है कर रही है, वो श्योर कुछ ना कुछ होता होगा, क्या कह सकते हैं बंदा। वन वॉट कैन वन से देखो, ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है ना इस वक्त, ये पूरा मीडिया ऊपर से जो अलग से लेके ये तक चेंज कर दिया है इन्होंने, तो अब ये चीजें जो है ये कम से कम इस वक्त ये तो क्लियर मैसेज है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है ऊपर खान जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है ना यार, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पे हुकूमत को चल सकती है पाकिस्तान में, मुझे ये बता दो जवाब, तुम बना के रखनी पड़ती है वरना तो बाकी सर्वाइवल की जंग है।